कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। बस हमें आयुर्वेद की इस जर्नी में एक बेहतर और बेहतर मुकाम पर पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ गुरुवर वैद्य मुरली मनोहर सर इस पॉडकास्ट के लिए जुड़ चुके हैं। सर के लिए हम जितना भी ग्रेटफुल हो सके उतना कम है। सर के पास ऐसा ज्ञान का भंडार है कि सर से जितना सीखें उतना कम है ना। यहाँ कई ऐसे वैद्य हैं जो पहली बार प्राणाभी सर के साथ जुड़ रहे हैं, बट जो वैद्य ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो जानते हैं कि सर से हमने कितना कुछ सीखा है। लास्ट पॉडकास्ट में हमने सर को न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर के बारे में सुना, उनके व्यूज जाने। आज सर एक और नया टॉपिक लेकर हमारे बीच आए हैं। आज का सेशन माइग्रेन, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट भी है, हम सब आसपास अपने नेबर्स में, अपने फैमिली में ये जरूर सुनते हैं कि किसी को माइग्रेन हो गया, तो सर के व्यूज हम इसके बारे में जानते हैं। सो सर को वेलकम करते हैं। सर मैं हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर आपका नमन और वंदन करती हूँ सर। आयुर्वेद में हम लोग जब भी चिकित्सा करना शुरू करते हैं तो हम लोगों के पास तीन ऐसे ऑर्गन हैं, तीन ऐसा क्षेत्र है जिसमें पहला है मस्तिष्क, दूसरा है हृदय और तीसरा है बस्ती, जिसके अंदर यदि कोई बीमारी हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज के समय में चूंकि खान पान गड़बड़ होने से बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण माइग्रेन के केसेस यूथ लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। अब यदि माइग्रेन की बात करते हैं तो माइग्रेन का जो डिफिनेशन मॉडर्न साइंस में दिया गया है ये बहुत मतलब ग्रॉस लेवल पर है, लेकिन जब हम आयुर्वेद में माइग्रेन को देखते हैं तो फिर वो बहुत सटल और बहुत सूक्ष्म हो जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि सृष्टि में जो चीज जितना बड़ा दिखता है उसका इफेक्ट उतना कम होता है, और जो जितना ही सटल होता है, सूक्ष्म होता है, उसका पेनिट्रेशन या उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे मॉडर्न में भी आप माइग्रेन को देखने जाओगे कि माइग्रेन क्या है तो वहां बताया जाएगा कि एक तरह का हेडेक है, सर का दर्द है। कैसा होता है? तो थ्रॉम्बिंग पेन होता है, या उसमें बोले तो पल्सेटाइलिंग पेन, या अपने यहाँ जो बोलते हैं ना ऑन ऑफ वाला पेन, इस तरह का पेन उसमें होता है, या कई बार कंटिन्यूटी के साथ पेन बना रहता है, एक साइड में हो सकता है, तो कई बार लोगों को आगे के साइड में, या कुछ लोगों को ऑसिपिटल साइड में, कुछ लोगों को फोरहेड में ऐसा पेन बनेगा, कुछ लोगों को पूरे सर में भी बन सकता है। इसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और इंटेंसिटी ज्यादा होने के साथ साथ पेशेंट को कई बार लाइट सेंसिटिविटी और नोजिया जैसे कंडीशंस देखे जाते हैं। अब यदि ये क्लिनिकल पिक्चर एक बार प्रेजेंट हो गया तो इसे लोग माइग्रेन कह देते हैं। पर माइग्रेन सिर्फ कह देने से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो माइग्रेन एक बहुत बृहद टॉपिक है। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि माइग्रेन को यदि कोई वैद्य के सामने माइग्रेन आए बिना डरे बेहिचक, इसको क्योर तक कैसे ले जाएगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। जैसा कि आपने कहा यूथ में माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, तो सर जैसे कई बार हम अपने घर में या नॉर्मली एक टर्म यूज कर लेते हैं कि हेडेक को भी माइग्रेन से कंफ्यूज कर लेते हैं कि नॉर्मल हेडेक हो रहा है फिर भी लोग कहते हैं नहीं मुझे माइग्रेन का दर्द है। तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो हेडेक और माइग्रेन में तो उसको बेटर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखिए हेडेक होने के लिए कई सारे फैक्टर हैं, जैसे ब्लड प्रेशर यदि बढ़ गया तो भी हेडेक हो सकता है, खाली पेट है तो भी हेडेक हो सकता है, स्ट्रेस के कारण भी हेडेक हो सकता है। लेकिन जब ऐसा पेन जो स्टार्ट होने के पहले पेशेंट को पता चल जाए कि मुझे दर्द होने वाला है और उसकी कंटिन्यूटी ऐसी हो कि बिना मेडिसिन लिए बंद ना हो, यानी 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे या ऐसा करके वो 3 से 7 दिनों तक लगातार पेन बना रह सकता है, साथ ही उसमें नौजिया, लाइट सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें हों और ये बार बार रिपीट करें तो माइग्रेन कहते हैं। यदि किसी को एक बार कभी सर में दर्द हो गया और कुछ दवाइयां खाई उसे आराम आ गया, उसे माइग्रेन नहीं कहेंगे। माइग्रेन एक बड़ी पैथोलॉजी है, ठीक वैसे ही जैसे फीवर का होना बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ना फीवर है, पर हर एक फीवर को हम मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड नहीं कह सकते, उसको थोड़ा सा कैटेगराइज करना होगा। लेकिन आज के समय में लोग बहुत कॉमनली बोल देते हैं कि हर एक दर्द को कि मुझे माइग्रेन है, या बहुत सारे लोगों को बहुत थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को भी लोग बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ,
बट वो समझ नहीं पाते कि डिप्रेशन अलग चीज है, माइग्रेन अलग चीज है, मेंटल इश्यूज अलग चीज है, तो उस तरीके से हमें देखना होता है सब चीजों को। थैंक यू सर, मेरा बहुत बड़ा डाउट है जो आपने आज क्लियर कर लिया, तो आई होप आपको भी क्लियर हुआ कि हेडेक और माइग्रेन, जो हम हेडेक को बहुत फ्रीक्वेंटली बोल देते हैं ना कि माइग्रेन है, तो वो एक सीरियस कंडीशन है, क्लिनिकल फैक्टर है, जिस पर हमें इतना इजीली नहीं उसको हेडेक से कंपेयर कर लेना चाहिए। सर जैसे आयुर्वेद में तो माइग्रेन टर्मिनोलॉजी कहीं यूज नहीं की हुई है, तो हम आयुर्वेद में माइग्रेन किससे कोरिलेट कर सकते हैं और उसका इंडिकेशन हमको कहाँ मिलता है देखने को? देखिए आयुर्वेद में यदि हम लोग संहिता देखते हैं या कोई भी ग्रंथ को यदि गो थ्रू होते हैं तो हमें शिराशूल कई जगह पे मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा है ना कि कुछ चीजों को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे लोटा, अब लोटा एक ऐसा पात्र है कि जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो उसे हम कोई पात्र कह सकते हैं, जस्ट लाइक अ ग्लास कह सकते हैं, कुछ ऐसा उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। वैसे ही जो माइग्रेन है वो एक बहुत ग्रॉस लेवल का शब्द है, बट आयुर्वेद में जब हम आते हैं तो हमारे पास एक शब्द आता है शिराशूल, और जो हम शिराशूल का ट्रीटमेंट करते हैं उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार वो इसके कारण इतने सटल होते हैं कि वो सर में दिखेंगे ही नहीं, उनका ब्लैडर सर्कुलेशन हो सकता है, उनका मेंस्ट्रुएशन सर्कुलेशन हो सकता है, कई बार डाइजेशन से होता है, लेकिन जब उसे हम ठीक करते हैं तो जो आज माइग्रेन डायग्नोस होकर के मॉडर्न से पेशेंट आया है वो ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारी दृष्टि में हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को क्या हुआ है, पेशेंट माइग्रेन बोल रहे, पेशेंट जिसका नाम ले रहा है, उससे हमें परेशान नहीं होना है, हमें अपनी डायग्नोसिस बनानी है फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। कभी भी उनके बताए हुए चीजों से यदि हम कोरिलेट करते हैं तो फिर हम परेशान होने लगते हैं लोग कि इसमें इस तरीके से मॉडर्न ट्रीटमेंट होता है, तो हम लोग भी खोजने लगते हैं कि यार कॉक्स टू इनहिबिटर में हम क्या दे दें, या इसमें सेडेटिव में हम क्या दे दें, या डोपामिन को बढ़ाने के लिए क्या दे दें, तो वो ट्रीटमेंट हमारा नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब आयुर्वेद उतरा तो हमारे पास तीन ही चीज थी, क्या कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम। अब त्रिसूत्र जब हमारे पास आया तो उसमें क्या था, पहले हेतु था यानी किस कारण से बीमारी हुआ, फिर लिंग क्या लक्षण लेकर आया, और फिर उसकी चिकित्सा, यही चीजों को हम लोगों ने सीखा है ना। तो हमें कोई भी डिजीज आए, माइग्रेन आ रहा है या इसके अलावा दुनिया कोई भी बीमारी आ रहा है, फर्स्ट हमें हेतु देखना चाहिए कि हेतु क्या है। पर दुर्भाग्य क्या है कि यदि हम मॉडर्न के डेटा पढ़ते हैं तो वहां लिखता है कि कॉज में इडियोपैथी, यानी उन्हें नहीं पता कि वो क्या है। तो भाई आपको नहीं पता तो हमसे पूछ लो ना, हम आयुर्वेद वाले बताएंगे आपको कि किस तरीके से हमारे यहाँ दोष काम करता है, दूसरे क्या कैसे काम करता है, मल की क्या संप्राप्ति है, मल किस तरीके से विकृत होता है, बहुत बड़ी चीज है, और इसको हम लोग आज ठीक तरीके से क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे। जी सर, ओके। और सर क्या ये माइग्रेन हेरिडिटी हो सकता है, जेनेटिक से हम कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते हैं इसको? देखिए जैसा कि आचार्यों ने बताया तो माइग्रेन को उन्होंने हेरिडिटी में नहीं डाला है। इसका मतलब क्या है कि जिस समय जीव की उत्पत्ति हो रही है, गर्भ बन रहा है, उस समय मदर का खान पान कैसा है, और कई बार हम लोग देखते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आया है वो जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है उस फैमिली का खाना एक जैसा बन रहा है। जैसे कई बार पेशेंट ऐसे हुए जो राजस्थान साइड से हैं, बहुत तीखा खाते हैं, एक तो खुद ही उस जगह पे वायु और अग्नि महाभूत की अधिकता है और उनके आहार में भी अग्नि महाभूत की अधिकता है, तो वैसे में पित्त का विकृत होना बहुत कॉमन है, और पित्त विकृत होकर के वो व्याधि उत्पन्न कर सकता है। और कई बार क्या होता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही खाने को या एक ही तरह के रेसिपीज को वो ट्राई कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही कानपुर साइड में आप जाओगे तो वहां पे मट्ठा आलू का एक कॉम्बिनेशन है, यानी दही को वो लोग आलू के साथ बनाते हैं, एक रेसिपी तैयार होती है। अब दही को जैसे गर्म करोगे वो दूसरी भी इसके कंडीशन में चला जाएगा, लेकिन चूंकि वो पूरी सोसाइटी उस तरह का खाना पीना यूज कर रही है तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये हेरिडिटी है या इस तरह का है, बट ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि दोषों को जब हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं तो यदि ऐसा भी कंडीशन रहा जहां मदर को भी माइग्रेन था, मौसी को भी माइग्रेन था, नानी को भी माइग्रेन था, और जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो बच्चे को ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब हम लोग उसको हेरिडिटी में नहीं कंसीडर कर सकते। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि मास लेवल पर यदि आहार में कोई गड़बड़ी होगी तो पूरा का पूरा सोसाइटी या कम्युनिटी डिजीज के इफेक्ट में आ सकता है, और फिर जब डिजीज के इफेक्ट में आएगा और वो हेरिडिटी कह सकते हैं या कई बार उसको एपिडेमिक लेवल पर भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो उस क्षेत्र के खान पान के गड़बड़ होने के कारण हो जाता है।
कि इतना इनडेप्थ थॉट इस टॉपिक पे, हेडेक्स सिर्फ हेरिडिटी पे ही इतना इनडेप्थ थॉट मैंने पहले तो कभी नहीं सोचा था. थैंक यू सर इतना इनसाइटफुल नॉलेज के लिए. 15 मिनट हुए अभी सर को बोलते हुए और हमको समझ में आ गया सर के पास कितना नॉलेज है. जस्ट इमेजिन सर जो क्लास सर मूविंग अहेड, जैसे कि हम आपने बताया कि हम शेर शूल में माइग्रेन को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, वहां पे उसके बारे में पढ़ सकते हैं. तो अगर हम आयुर्वेद से इसका ट्रीटमेंट करने जाएं तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये कंप्लीटली क्योर किया? सकता है कि सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ जैसे आप नहीं नहीं इसे हम लोग क्योर कर सकते हैं. क्योर मतलब जैसा कि शब्द है, आराम देना, राहत देना, ये तो हो ही जाएगा. लेकिन उसको यदि ठीक करने की बात करें तो 100% ठीक करने की भी प्रक्रिया है. अब यदि हम लोग माइग्रेन को आयुर्वेद में समझना शुरू करते हैं तो वो स्टार्ट होता है जैसे पेशेंट हमारे क्लिनिक में इंटर किया. अब पेशेंट के इंटर करने के साथ ही हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट रहता है. पहले पेशेंट को ट्रीट करना है, मेडिसिन तो बाद में देना है. तो अब यदि पेशेंट हमारे पास आ रही है या आ रहा है तो उसे देखना है हमें कि इसका जो ये सर का दर्द है उसके साथ साथ कहाँ से आ रहा है, ऑक्यूपेशन क्या है, किस तरह का लाइफस्टाइल है, स्टूडेंट है कि एडल्ट है, ये सारी चीजें जो हम लोग केस टेकिंग में देखते हैं, जिसको हमारे यहाँ बताया गया कि 10वीं परीक्षा करो, 3वीं परीक्षा करो या 8वीं परीक्षा करो. तो उस तरीके से पहले हमें पेशेंट को देखना शुरू करना चाहिए कि ये जो पेशेंट आया इसमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं, क्योंकि बीमारी तभी होगा जब हम प्रज्ञापराध करेंगे. प्रज्ञापराध का मतलब है कि जानते हुए या अनजाने में जब हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे. तो उदाहरण से हम समझें, जैसे मेरे पास जो पहला पेशेंट आई थी माइग्रेन की, जो पहली पेशेंट थी हमारी, उन्हें कई साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी. और जब ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिया, जैसा कि अपना बेसिक प्रिस्क्रिप्शन बनता है कि गोदंती दे दिए, सिरसुलादि वज्ररस दे दिए, पथ्यादि काढ़ा दे दिए, और प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद रिजल्ट जीरो, पेशेंट को फायदा ही नहीं हुआ. तो जब पेशेंट को फायदा नहीं हुआ तो जब सेकेंड टाइम पेशेंट किसी वैद्य के पास या डॉक्टर के पास विजिट करता है तब डॉक्टर की जिम्मेदारी बढ़ती है कि अब हमें रिजल्ट देना चाहिए. तो कुछ ना कुछ छूटा होगा, कुछ ना कुछ हमसे त्रुटि रह गई जो हम नहीं देख पाए. तो अपने ऑब्जर्वेशन को कीन करने के लिए हम सभी को वापस से केस टेकिंग हमें करना चाहिए. तो जब मैंने उनका केस टेकिंग स्टार्ट किया और केस टेकिंग करते समय मैंने उनके सारे लाइफ स्टाइल सब कुछ पूछ डाला और मुझे कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग हेतु ना समझ में आया कि मैं यार इसमें क्या हो सकता है, लेकिन सडन अष्टविध परीक्षा या मूत्र परीक्षा मुझे मतलब ऐसे भगवान की कृपा हुई और मुझे याद आ गया. तो मैंने पूछा कि यूरिन का क्या कंडीशन है, तो बोली नॉर्मल है, कि जलन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है. फिर मैंने पूछा कि अच्छा आप दिन में कितनी बार यूरिन जाते हो, तो उन्होंने बताया कि सर ऑफिस में तो मैं जाती नहीं, सुबह ले आती हूँ फिर शाम में ही घर, क्योंकि वहां पब्लिक टॉयलेट है और मैं यूज नहीं करती क्योंकि मुझे यूटीआई हो जाता है. मैंने कहा ओके. यानी कि पेशेंट सुबह मानो के 8 या 9 या 10 बजे ऑफिस गई और शाम को 4 या 5 बजे तक निकली, तो ये 10 से 4 या 5 तक उन्होंने मूत्र को रोका. और यदि हम लोग देखते हैं अधारणीय वेग में तो मूत्र को रोकने से सिरासुर होता है, ये एक सिम्टम है. और लंबे समय तक मूत्र को रोका जा रहा है तो खवैगुण्यता बनेगा और बनने के बाद विकृति आएगी. वैसे ही आप देखना कि जो हमारे पास बस्ती है या हृदय है या ब्रेन है या मस्तिष्क बोले, ये तीनों का आपस में बहुत कोरिलेशन है. यदि एक को डिस्टर्ब करेगा तो दो अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा. तो यदि क्लेदवा स्रोतस डिस्टर्ब हो रहा है या मूत्रवा स्रोतस डिस्टर्ब हो रहा है हमारा, तो आगे हृदय में दिक्कत आएगा और साथ में मानस को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा. तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि पेशेंट जो हमारे पास आए हैं इनकी हिस्ट्री क्या है. अब उदाहरण देखो, कई बार क्या होता है कि बचपन में बच्चा गिरा बेड से, कई बार गिरा, और बाद में जाकर जब उसका उम्र, अक्सर जब लड़कियों का मेनार्क स्टार्ट होता है, जब उनका उम्र 12 या 14 बरस का होता है, मेंसेस स्टार्ट होता है, तो सिरासुल स्टार्ट हो जाएगा. तो जब क्लास में बच्ची 9th में या 8th में या 10th में जब जाती हैं और उनका जब पीरियड आना स्टार्ट होता है तो उन्हें सिरासुल की कंप्लेंट बनती है. अब घर वाले क्या करते हैं कि वैसे केसेस में यदि ट्रीटमेंट के लिए ले गए तो डॉक्टर वहां पे कई बार माइग्रेन डायग्नोस भी कर देता है, कई बार उसको स्ट्रेस डायग्नोस कर देगा और उसको नींद की दवाइयां या कुछ इस तरह की चीजें स्टार्ट कर देते हैं और कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह देना स्टार्ट करते हैं.
अब उसका इफेक्ट ये होता है कि पेशेंट को जब हम सीडेट कर रहे हैं तो पेशेंट के क्या होगा, मस्तिष्क सुस्त होना शुरू हो जाता है, और जब बच्ची सुस्त होने लगे तो उसका एक तो हमने पढ़ाई डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि उसके जब ब्रेन की एक्टिविटी को ही हम सीडेट कर देंगे तो क्या पढ़ेगी, वो दिन भर सोएगी, आलस्य में रहेगी, और आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनानुप भोजनम, खान पान गड़बड़ हुआ तो प्रमेह हो जाएगा, नहीं तो पीसीओडी हो जाएगा, तो वहां पर गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यदि हम आप केस टेकिंग उसका ठीक तरीके से कर लें, और यदि पूर्व में हिस्ट्री मिलता है कि ये ज्यादा गिरी हुई है सीढ़ी से, बिस्तर से, बेड से, और कोई सीवियर इंजरी हुई थी, जैसे कई बार होता है ना, बच्चे को सर में चोट लगा, 10-12 दिन 15 दिन तक सर पे गोला बना रहा और फिर वो ठीक हो गया, तो समय के साथ ठीक हो गया, लेकिन वो हो सकता है फ्यूचर मतलब भविष्य में माइग्रेन का रूप ले सकता है। तो इन सब चीजों को हमें एक बार जरूर देखना चाहिए कि क्या हेतु बन रहा है, ऐसा क्या है जो छूट रहा है हमसे, और यदि इन चीजों को हम ठीक तरीके से समझ लेते हैं तो हम माइग्रेन को ठीक कर लेंगे। अब एक खास बात, मैंने जितने भी केसेस देखे हैं माइग्रेन के, हमें लगता है कि उसमें 70-80% केसेस एब्डोमिनल माइग्रेन के होते हैं, यानी कि पेशेंट के पचन से डिस्टर्ब होकर के माइग्रेन बनता है। तो पेशेंट हमारे पास आएगा तो बोलेगा सर मैं कॉफी पीती हूँ तो माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, या मैं चाय पीता हूँ तो मुझे ट्रिगर हो जाता है, या अमुक चीज खाता हूँ तो ट्रिगर हो जाता है, या मैं ये चीज खाती हूँ तो कुछ आराम आ जाता है। मतलब है कि जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है और इसका जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वहां पे, या जो डिजीज बना करके हमारे पास आया, इसमें रोल अग्नि का हो जाता है। और चिकित्सा जब हम लोग करते हैं तो हमारी चिकित्सा पूरी की पूरी काय पर डिपेंड करती है, यानी अग्नि पर डिपेंड करता है। और इसीलिए आयुर्वेद में बोलते हैं कि पेट यदि हम किसी का ठीक कर देते हैं तो व्याधियों को हम बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। तो कभी भी हम चिकित्सा यदि करने चलें, दुनिया का कोई भी बीमारी हो, माइग्रेन हो, कैंसर हो, HIV हो, हेपेटाइटिस हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, हमें अपने सूत्र से नहीं हटना है। हमें क्या देखना है, पहले हेतु ढूंढना है, लाइफस्टाइल को बहुत क्लियर तरीके से देखना है, और इसके बाद से उसमें से हमें कमियों को खोजना होता है। और इसका कई तरीका है, जैसे पहला तरीका होता है कि पेशेंट का ऑक्यूपेशन और डाइट को आप देख लो, इसके बाद यदि इनमें से कुछ चीजें हम फाइंड कर पाते हैं तो ठीक, वरना फैमिली हिस्ट्री को देख लो एक बार, फिर पूर्व की व्याधियों को देख लो। जैसे कई बार क्या होता है कि पेशेंट को अर्स रहा, या गुदगत कोई भी गुदगत वात रहा, या गुदा के अंदर कोई भी विकृति रहे, तो उसका हेतु भी सिरासूल के रूप में आता है। तो ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि माइग्रेन जो है या सिरासूल जो है वो स्वतंत्र व्याधि ना होकर के किसी और व्याधि के कारण प्रकट हुआ रहता है। खास करके आप देखना कि जब पेशेंट का अग्नि डिस्टर्ब होगा, अग्नि का मतलब है नाभि से 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे का जो एरिया है ये अग्नि का स्थान है, और यहाँ पर होता है पित्त धारा कला। तो जैसे ही पेशेंट को डाइजेशन की इशू बनती है या अग्नि की इशू बनती है, धात्वाग्नि गड़बड़ होता है, तो वैसे केसेस में क्या होगा कि अग्नि डिस्टर्ब हुआ, अग्नि डिस्टर्ब हुआ तो पित्त धारा कला डिस्टर्ब हुआ, पित्त धारा कला सायुज्य मज्जा धारा कला, तो मज्जा धारा कला जब डिस्टर्ब होता है तो वहां से मज्जा का स्थान, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके थे ना कि मज्जा होता कहाँ है, तो अस्थि संधिसु, अस्थियों में और संधियों में, और मज्जा का मूल एक बहुत ज्यादा मात्रा में स्पाइन में और ब्रेन में रहता है, मस्तुलुंग में रहता है। तो जब डिस्टर्ब होगा तो हम लोग MRI का रिपोर्ट देखते हैं, यदि पेशेंट 10 साल या 8 साल से सफरर है तो उसमें आता है एज रिलेटेड एट्रोपी, एट्रोपिक चेंजेस वहां पे देखने को मिलते हैं, कई बार वहां पे श्रिंक होना ऐसा कुछ दिखता है, और कई बार क्या होता है वहां पे प्रेशर बढ़ा हुआ दिखता है, 2-3 कंडीशंस वहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो यदि एट्रोपी हो रहा है मतलब मज्जा धातु क्षय कर रहा है, अब मज्जा धातु जब क्षय कर रहा है तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हमें ग्रहणी की चिकित्सा करनी होती है। तो वहां पे हमारा शुंठी और गुड़ का योग भी अच्छा काम करता है। तो माइग्रेन को माइग्रेन की तरह ना देख करके हमने डायग्नोसिस जो किया उसकी चिकित्सा दो, माइग्रेन अपने आप क्योर हो जाने वाला है, क्योंकि धातु को शाम्य करना यही तो हमारा काम है, तो व्याधि तो अपने आप निर्मूल होता है। तो ये दृष्टिकोण हमें डेवलप करना चाहिए किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, कि ये मॉडर्न की बीमारी इस नाम से आई है मेरे पास। जैसे कोविड काल में बहुत सारे लोगों ने कोविड को ठीक किया अपने अपने दृष्टिकोण से, वैसा ही माइग्रेन के साथ हमें करना है। अब इसमें जब भी आप लोग चिकित्सा स्टार्ट करो तो माइग्रेन के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि आंख का यूज कैसा है, क्योंकि और साथ में इंद्रियात संयोग जब होगा
या इंद्रियों का अति योग, हीन योग या मिथ्या योग होगा तो ख वैगुण्यता बनती है, दोष प्रकोप होते हैं और व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो यदि पेशेंट बहुत लंबे समय तक मोबाइल चलाता है, बहुत लंबे समय तक गाना सुनता है, बहुत ज्यादा बोलता है या अपने साहस से ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो ये सारे कारण भी बन सकते हैं। जैसे हम क्षय रोग में देख लेते हैं या यक्ष्मा में देखते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर माइग्रेन के रूप में आता है। और हम लोग उसको जब ट्रीट करने चलते हैं तो फिर उन्हीं लोकाधिकार की चिकित्साओं से इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मज्जा धातु या जठराग्नि से संबंधित जो बीमारियां हैं, जब वो हमें परेशान करना शुरू करती है और हमें माइग्रेन के रूप में आएगा, जब व्याधि देखने को मिलता है, तो चार पांच चीजें बहुत क्लियर है। पहला, उनसे पूछो कि या उनकी आंखों को आप देखो, आंख जो है वो मलिन और क्लांत दिखेगा, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, मल में यदि हार्डनेस है, स्टूल बहुत कठोर हो रहा है, तो भी वहां पे दिक्कत आएगी, या मुंह बार बार डायरिया और बार बार उनको कब्ज बनने की शिकायत बने तो भी दिक्कत है। तो इस तरीके से हमें ग्रहणी के थ्रू माइग्रेन तक जाना ज्यादा मतलब सहज हो जाता है। और इसीलिए आप देखना कि जब हमारे पास क्लासिकल पेशेंट आते हैं जिनको माइग्रेन डायग्नोस हो चुका है, और उनमें आप जब नाभि पूर्ण कराओगे तो पेशेंट को माइग्रेन रिलीफ आ जाता है। या आप देखना कि पेशेंट को जब समतर्पण के लिए आप प्रयास करते हो, बहुत सीवियर पेन है, एकदम पेशेंट तड़पते हुए आपके पास आया और आप उसको एक वनीला आइसक्रीम खाने के लिए सजेस्ट कर दो, एक अच्छा वनीला आइसक्रीम खाओ, आपको खाकर मुझे बताओ कैसा लग रहा है, पेशेंट को फर्क दिख जाएगा आपको। क्योंकि या फिर वहां पे मक्खन खिला दो, मक्खन से भी रिजल्ट आता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मज्जा को सबसे जल्दी बल देने वाले गुण इनमें होते हैं, तो पेशेंट आपके सामने बहुत जल्दी बताएगा कि सर आराम आ रहा है। तो कभी भी आप लोगों के आसपास में कोई भी हो इस तरह का, तो आप बहुत आराम से इसका प्रयोग करा सकती हो, उसको वनीला आइसक्रीम खिलाओ, वो खुश हो जाएगी, फिर आपकी पेशेंट बनेगी, फिर आगे आपको ट्रीटमेंट इसी सब तरीके से करना चाहिए। बाकी कहीं यदि कुछ चीज छूट रहा है या कोई मेंटेनिंग कॉज है तो उसको भी ध्यान जरूर देना चाहिए, कोई ऐसा तो नहीं कॉज जो कि मेंटेन कर रहा है। जैसे नया नया शादी हुआ, हस्बैंड वाइफ के बीच में खटपट स्टार्ट हुआ है और अब फीमेल को माइग्रेन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, तो जब माइग्रेन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए तो वहां पर हमें सौमनस्य पैदा करने के उपाय करने चाहिए। उसके लिए विजया है, उसके लिए अपने पास बहुत सारी मेडिसिन है जिसका हम लोग प्रयोग करके वहां पर उन चीजों को ठीक कर सकते हैं, या वाजिकन रक्त के थ्रू भी हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। वाओ सर, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कि सारे डिजीज मंदाग्नि से हो रहे हैं, बट जिस तरीके से आज आपने उसको एक्सप्लेन किया, अमेजिंग, मतलब इससे बेटर आंसर मैंने कभी नहीं सुना। थैंक यू सो मच सर। आई होप आप सबने भी नोट किया हो हिस्ट्री टेकिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, इन डेप्थ हेतु फाइंड करना कितना जरूरी है। सो थैंक यू, इससे तो हमें ये पता चल गया कि हम आयुर्वेद के थ्रू माइग्रेन को या शीर्षूल को ट्रीट कर सकते हैं। बट सर मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ कि इसमें पंचकर्म का क्या रोल है, क्योंकि जैसे आयुर्वेद की तो यूएसपी है पंचकर्म, तो हम शमन चिकित्सा के थ्रू तो माइग्रेन ठीक कर ही रहे हैं, बट पंचकर्म के थ्रू भी क्या हम इसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं या सिर्फ शमन ही इनफ है? बहुत दोष होते हैं तो हमें कई बार पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। खास करके मैंने देखा है कि वमन से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अनुकूल रिजल्ट रहता है। या कई बार क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आया, अब जैसे रिसेंटली घटना में बताऊं, एक पेशेंट थी पार्किंसन की, और पार्किंसन की स्थिति ऐसी थी कि वो लगभग 7-8 साल से ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रही थी, और मॉडर्न के ट्रीटमेंट लेने के बाद, खास करके वो अपने एक वैद्य की माता जी ही हैं, तो जब उन्होंने फिर उन लोगों ने आयुर्वेद के बारे में एक अपना विचार विमर्श होना शुरू हुआ कि क्या किया जाए यार ये ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरा कंप है, पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा कंप है। तो डिसाइड हुआ कि इनको हम लोग यापन बस्ती देते हैं, और आप लोग यकीन करो कि 7 दिन की यापन बस्ती, जो क्लासिकल यापन बस्ती जहाँ पे हम लोग अजामांस का भी प्रयोग करते हैं, 7 दिन की बस्ती देने के बाद पूरे बॉडी का कंप चला गया, मतलब इतना अच्छा रिकवरी हुआ कि वो रिमार्केबल था। तो हमारे शास्त्र में जब भी हम लोग देखते हैं कि हृदय का चिकित्सा करना है, बस्ती का क्रियंत सिरसी अध्याय हम लोगों ने पढ़ा, त्रिमर्मी अध्याय पढ़ा, बस्ती बार बार बताया जा रहा है मूल चिकित्सा है, तो यदि हम समन औषधि का प्रयोग करके देख रहे हैं रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, तो बेशक हम लोगों को बस्ती के थ्रू जाना चाहिए या वमन के थ्रू जाना चाहिए, जैसा भी दोषों की स्थिति बने। बस्ती में खास बात क्या है कि बस्ती बाद का तुरंत समन करता है तो पेशेंट को रिलीफ आ जाता है,
वमन में कई बार पेशेंट को भय वगैरह हो सकता है, तो शिरोधारा और आप वस्ती के थ्रू जा सकते हैं। और जिनमें अभी एक्यूट केस नहीं है, यानी बीमारी सप्रेस है और अब हम चाह रहे हैं कि भविष्य में उद्भव न हो, तो वस्ती चिकित्सा यदि हमने पहले दिया भी है पेशेंट को, तो फिर उसको एक वमन करा लेना चाहिए, जिससे कि उसको वापस से इसका उपद्रव ना हो। साथ ही साथ एक चीज ध्यान देना है कि जब पेशेंट हमारे पास आएगा और उसके दर्द का मिजाज पूछना जरूरी होता है कि जो आपको दर्द हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। कई बार पेशेंट बोलेगा कि सर लग रहा है फट जाएगा, कई बार लोग बोलते हैं सर लग रहा है कीड़े दौड़ रहे हैं सर में, कुछ लोग बोलते हैं कि सर एकदम से इसमें टपक है, यानी कि जो पल्सेटाइलिंग या थ्रॉम्बिंग पेन बोलते हैं, कभी किसी को व्रण हुआ होगा तो आप लोग उस पेन को महसूस जरूर किए होंगे, तो उस तरह का पेन कंप्लेन देता है पेशेंट। यानी जो हम लोग शास्त्र में पढ़े ना कि आरा के काटने की तरह, कील ठोकने की तरह, ये पेशेंट सच में बताते हैं। और आप सिर्फ उस तरीके से यदि आप भी जाते हो तो आप बीमारी में कौन से दोष प्रोमिनेंट है उसको पकड़ सकते हो। साथ ही साथ आप पूछो कि कब बढ़ता है, यदि पेशेंट बोलता है कि डंप वेदर में बढ़ जाता है, जब भोर में बढ़ जाता है, शाम में बढ़ता है, रात में बढ़ता है या दिन में बढ़ता है, तो बीमारी कब ऑनसेट हो रही है, कब बढ़ रही है, इसके हिसाब से भी हम दोषों का निर्धारण कर सकते हैं और फिर उसके लिए हम लोग चिकित्सा दे सकते हैं। तो आप सभी लोग जैसे कौमारीवृत्त जीवक का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, तो उन्होंने उस समय माइग्रेन को ट्रीट किया था, उस काल में उनके पेशेंट को जब सिरसुल नहीं कंट्रोल रहा था तो उसको घृतपान, दर्द शुरू होने के पहले घृतपान कराने का उन्होंने नियम लिया, यानी कि बात को समाप्त कर देना है। तो इस तरीके से हम सभी भी योजना करके बीमारी को ठीक कर सकते हैं और बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि हम माइग्रेन को माइग्रेन की दृष्टि से देख लें तो हम वैद्य कभी नहीं ठीक कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हम उनकी तरह सोचने लगते हैं और फिर उनकी दवाओं का विकल्प अपने में ढूंढने लगते हैं, तो फिर हमें दिक्कत होता है। और कई बार क्या होता है कि हम सभी ये प्रोसेस जो है आयुर्वेद का जो क्लासिकल अप्रोच है, यदि इसको छोड़ दें तो हम कंपनी के प्रोडक्ट के थ्रू जाने लगते हैं कि अमुक कंपनी का ये माइग्रेन वाली टेबलेट आती है मैंने चलाया नहीं फायदा किया, अमुक कंपनी का ये नाक में डालने वाला माइग्रेन की तेल आती है मैंने डाला नहीं फायदा किया, तो ये चीजें वहां पे हमें देखना होता है। अब देखो एक चीज खास बताते हैं, जैसे पेशेंट को मेनोपॉज हुआ और मेनोपॉज के बाद उसको माइग्रेन स्टार्ट हो गया, तो वहां पर हमें रक्त दृष्टि समझ करके एक बार उनका कंडीशन देखो, रक्त दृष्टि मैक्सिमम केसेस में होते हैं, तो वैसे में आप यदि एक विदेशन प्लेस करवा देते हो वहां पे, क्योंकि आर्तो क्षय हुआ है पेशेंट का, आर्तो स्टॉप हो गया है वहां पे, तो वैसे केसेस में यदि पीरियड आ रहा है तो उस बीच में दिक्कत होगा तो वमन कराना है, अदरवाइज उसको विरेचन के लिए लेना है। मेनोपॉज हो गया तो विरेचन करा लो एक, और एक रक्तमोक्षण करा लीजिए, तो इससे ही पेशेंट को आप देखोगे काफी फर्क आ गया, आपने कोई बहुत बृहद कल्प नहीं दिया है फिर भी रिजल्ट आ जाएगा। और यदि माइग्रेन के साथ पेशेंट को दृष्टि जाने लगी, आंख से रोशनी कम होने लगा, यदि ये कंडीशन में मिलेगी सर सर में इतना दर्द होता है तब तो आंख से दिखाई देना भी बंद, यदि ये कंप्लेन पेशेंट ने आपके सामने रखा तो दिक्कत कहाँ होता है कि हम आंख का बात सुनते हैं हमारे दिमाग में चार चीजें आती हैं कि यार इसको इसको हम लोग सप्तामृत लौह दे देते हैं, यशद भस्म दे देते हैं, त्रिफला घृत दे देते हैं, चौथी दवाई कोई यदि पूछे तो त्रिफला का फांड से आंख धुलवा दो, अब क्या करोगे इसके अलावा, तो इसके अलावा दवाई नहीं पता है। लेकिन वैसे केसेस में यदि आप कभी स्वर्ण सूत्र शेखर को यूज करके देखना, जहां पेशेंट यदि कंप्लेन दे दिया कि सर इतना दर्द करता है कि आंख की रोशनी तक चली गई है, सूत शेखर यूज करो आप देखो वहां पे रिजल्ट, हमें जहां तक लगता है कि आपका 7 से 8 दिन में ही इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं और हम लोग करते हैं और रिजल्ट आपको आएंगे। और माइग्रेन को हर एक वैद्य को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत केसेस बढ़े हैं। अब मैंने एक रफली आइडिया सुना था कि भारत में लगभग 34-35 करोड़ से ज्यादा पेशेंट हैं, यानी एक वैद्य यदि देखना शुरू करे तो पूरी जिंदगी माइग्रेन ही देखे, उसको कुछ और देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप सभी इसको बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गट्स लाना है, होलिस्टिक अप्रोच रखना है तो माइग्रेन क्योर होगा। जी सर, सर जैसे आपने कहा कि क्लासिकल अप्रोच हमें रखनी चाहिए ना कि हमें विकल्प ढूंढने चाहिए मॉडर्न या एलोपैथी साइंस से, तो आयुर्वेद की ये क्लासिकल अप्रोच क्या है माइग्रेन के केसेस में, चिकित्सा सिद्धांत अगर बात करें तो वो क्या है? देखिए ऐसा कोई मतलब एक लाइन में बोला जाए कि यदि चिकित्सा सूत्र क्या है तो कोई ऐसा एग्जैक्ट हमारे पास नहीं है,
हमें देखना होता है, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि डिजीज के अनुसार ही हम, या हेतु के अनुसार, हेतु में जो दोष विकृत कर रहे हैं उसको हम काउंटर कर देते हैं। अब बॉडी में हमारे पास क्या है कि रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, ये गुण है और ये बात के गुण है। तो यदि इसमें से कुछ भी बढ़ेगा तो बात विकृत होगा, या यूं कहे तो बात विकृत होगा। जैसे ही पित्त का है वैसे ही कफ का है। तो जब हम चिकित्सा करना शुरू करते हैं माइग्रेन का, और माइग्रेन के कंप्लेन में यदि पेशेंट को ऐसा हिस्ट्री मिल जाए कि सर इसको बचपन से बहुत सर्दी खांसी होती है और अब जाकर के ये दिक्कत स्टार्ट हो गया, तो ये कंप्लेन भी हमारे लिए एक अच्छा पीछे से बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है कि इसको दिक्कत है। या कई बार लोगों का है कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड माइग्रेन बनता है। तो हमें कारण ही देखना होता है मुख्य रूप से कि किन कारणों से या कौन सा कारण है जो इसको इनिशिएट कर रहा है, फिर उसके विपरीत हम चिकित्सा को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप लोग ज्वर की चिकित्सा को थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो हमें लगता है कि आप लोग इसकी भी चिकित्सा को बहुत आराम से कर लीजिएगा। क्योंकि अपने साथ क्या है कि जब पेशेंट हमारे पास माइग्रेन के आते हैं तो उनमें तीन चार चीजें देखने को मिलेंगे कि एक तो सर में दर्द रहता है, अंधेरे रूम में रहेगी, फिर उसको खाने की, मीठे खाने की क्रेविंग होगी, फिर संतर्पण होगा। संतर्पण होता गया, अब पेशेंट ओबीज हो रही है, और जो प्रमेह में हम लोग पढ़े हैं कि स्रोतस अवरोध हो जाता है और अग्नि घूम घूम के डाइजेशन को, भूख को बढ़ाती जाती है, यानी इसको स्यूडो हंगरी या जो बोलते हैं ना फॉल्स भूख लगना, झूठा भूख, वो कंडीशन उसको बार बार बनता रहता है और पेशेंट वहां से परेशान होता रहता है। तो हमें इस तरीके से उसको देखना है और इसके बाद से इसकी चिकित्सा हमें करनी। तो कई बार हम प्रमेह की चिकित्सा से भी माइग्रेन को ठीक करते हैं, तो कई बार हम लोग भी माइग्रेन को ठीक कर लेते हैं। तो हमें बस माइग्रेन की चिकित्सा में बस दो तीन चीजें विशेष रूप से ध्यान देनी है जो मैंने आपको बताया कि हेतु देख लो, विपरीत चिकित्सा करो। अब बात करते हैं कि यदि क्लासिकल अप्रोच के साथ साथ कुछ नुस्खे होते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि लगभग केसेस में काम करता ही करता है, वो क्या होने चाहिए। जैसे हम लोग जैसे चरक संहिता उठाए और पहला अध्याय हमने पढ़ा, जैसे ही दूसरे में गए तो बताया अपामार्ग कंडलिनी अध्याय। अपामार्ग की विशेषता क्या है कि शिरो विरेचन में श्रेष्ठ है। तो दोष यदि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो शिरो विरेचन कराना है। तो अब इसमें बस एक चीज ध्यान देना है कि यदि पेशेंट में वात के बहुत ज्यादा हेतु होंगे तो शिरो विरेचन कराने के लिए हमें वहां पर स्नेह ले लेना चाहिए। अदरवाइज कफ है तो भी हमको अपामार्ग का प्रयोग करना है, और पित्त है तो भी हमको अपामार्ग का प्रयोग करना है। इससे क्या है, दोषों का शोधन एक अच्छे तरीके से हो जाता है। अब जब दोषों का शोधन हमारे पास हो गया तो हम आप उसमें अक्षपान भी करा करके या प्राणवाह काल में आप औषधि दे करके भी उसको बहुत आराम से ठीक कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट कोई खास कम्युनिटी का है तो उसके साथ कुछ उसके प्रेजुडियस जुड़े हुए होते हैं। जैसे अभी रिसेंट में एक केस था जहां पे एक जैन कम्युनिटी के संत थे, उनकी चिकित्सा करने को मिला। अब वो दिन भर में एक ही बार खाते हैं और उनकी स्थिति ये है कि जब वो खाना खाते हैं उसके पूर्व उनको सर में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे क्या है कि अग्नि जो है, मतलब सॉरी जो लंघन है वो थोड़ा ज्यादा स्तर पे हो गया है, और लंघन के कारण वात प्रकोप हुआ है और वात प्रकोप के कारण सिरस हुआ है। तो अब समस्या है कि वो एक ही बार खाएंगे, ये अंजलि में जितना अन्न आएगा उतना ही खाएंगे, तो अन्न कम थे। अब इन चीजों को धीरे धीरे करके उनको समझा करके, फिर उनके तरीके हैं कि नाभि पूर्ण करके देखो, ऐसा करके देखा जाए तो रिलीफ आता है। लेकिन यदि हाँ अनप्रेजुडियस पेशेंट है या कोई इस तरह की धारणाएं नहीं है तो वहां पे कई बार हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाने पर भी पेशेंट को फायदा हो जाता है। दूसरा, आप सभी लोग जानते होंगे एक बहुत इंडियन क्लासिकल रेसिपी है मालपुआ, आप सभी लोग जानते होंगे। तो जब किसी पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम बने और वो पूछे कि सर खाने पीने में क्या लें, तो उसको आप बोलो कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पहले मालपुआ खा लो। मालपुआ क्यों खिलाना है, क्योंकि मालपुआ का जो घी में बनता है पहले, तो घी पित्त शामक है, साथ ही वो गुरु है, तो गुरु और पित्त शामक होने के कारण वो इसके वेग को कंट्रोल करता है। तो आप कई किताबों में इसका रेफरेंस देख सकते हैं कि मालपुआ खाने से सिरसुल कम होता है, और होता भी है, ये होता भी है। तो अब क्या है कि आज के डेट में मालपुआ के जगह लोगों ने टॉफी या चॉकलेट्स ले ली है, लेकिन इसमें क्या है कि गुरु अवतर्पण होने के कारण कई बार रिजल्ट नहीं आता, लेकिन आप मालपुआ के थ्रू कर सकते हो। और दूसरा, अर्क का जो पुष्प आता है, अर्क सफेद आंकड़े का जो फूल होता है, या जिसको हम लोग बोलते हैं मदार, तो मदार का जो फूल होता है उसकी कली को हम सभी
एक एक कली यदि खिलाना स्टार्ट करते हैं या अर्कवटी खिलाना स्टार्ट करते हैं तो ग्रहणी या एब्डोमिनल माइग्रेन को वो ठीक कर देता है। तो इस तरीके से हम बहुत छोटे छोटे कल्पों से उस चीज को ठीक कर सकते हैं, उन व्याधियों को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग यदि जैसे पेशेंट कई बार होते हैं कि हमारे पास देवव्यापारी के लिए, अब उनके दिमाग में है कि देवव्यापारी कराना है, या पेशेंट हमारे पास आ रहा है और बोले यदि ये बात कि सर मुझे इस तरह की दिक्कत लगती है, तो कभी भी एज ए डॉक्टर आपको डिनाई नहीं करना है या हंसना नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कई बार पेशेंट बोलता है कि सर हमको फोटो में भूत दिखता है या दुर्गा जी में दिखती है, लगता है कि हमें आके मार देंगे, तो उसे तो फील हो रहा है ना, उसके लिए वो सही है, आपके लिए भले वो आपके नजर में मिथ्या ज्ञान है बट वो उसे फील कर रहा है। कई बार पेशेंट आके बोलते हैं सर दिमाग में कीड़ा घूम रहा है मेरे, मैं नदी नहाने गई थी तो एक कीड़ा मेरे दिमाग में घुस गया, वो दिमाग में घूम रहा है और सिर असूल हो रहा है। तो यदि ऐसा केसेस मिले तो वहां पे वेखंड का या वच का पहले प्रथमन दे दीजिए। इसके बाद जो अपना एक फॉर्मूला है जहां पे हम लोग जटामानसी और खुराशाइन अजवाइन का जो काढ़ा प्रयोग करते हैं उसको प्रयोग कराना शुरू करिए, तो उससे पेशेंट को फायदा हो जाता है। लेकिन यदि कोई पेशेंट ऐसा आपके पास आया जिसको सिर असूल है, माइग्रेन डायग्नोस्ड है, और साथ में यदि वो पेशेंट कंप्लेन दे कि सर हम सोने जाते हैं तो लगता है हवा में उड़ रहे हैं, या मेरा जो सर है वो एलिवेटेड है और तकिए पे ना रखा गया है, इस तरह का यदि फील आ रहा है पेशेंट को, तो उसमें सर्पगंधा प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हम सभी पढ़ते तो हैं द्रव्य गुणों में कि सर्पगंधा पागलों की जड़ी कही जाती है। तो पागलों की जड़ी किस लिए कही जाती है, क्योंकि जब पेशेंट को फील होने लगे मिथ्या ज्ञान तो सर्पगंधा वहां पे रिजल्ट के रूप में हम प्रयोग करते हैं। लेकिन सर्पगंधा की मात्रा फिर हमें कम रखनी होती है, क्योंकि यदि ज्यादा मात्रा में हम सर्पगंधा प्रयोग करेंगे तो पित्त प्रकोप करता है, और बहुत लंबे समय तक हमें सर्पगंधा नहीं देना है, 7 से 10 दिन दीजिए फिर उसको स्टॉप कर दीजिए, और वहां पे हमें वस्ती को इनके लिए पेशेंट को तैयार कर लेना चाहिए, तो उससे उसका सिर असूल को हम लोग बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके सर, आई होप सबने मालपुआ के बेनिफिट्स नोट कर लिए होंगे। सर कई बार क्या होता है माइग्रेन का जैसे पेन इतना सीवियर होता है कि पंचकर्म लेने का भी टाइम नहीं है, कोई मेडिसिन तक डॉक्टर तक पहुंचने का भी टाइम नहीं मिल पाता। तो इमरजेंसी कंडीशन में अगर हमारे पास मालपुआ भी नहीं है, कोई मेडिसिन भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, एकदम जैसे पेन तुरंत सबसाइड कर जाए? एक तो आइसक्रीम मिल जाएगा इस समय, लगभग आप लोगों को मिल ही जाएगा, वनीला आइसक्रीम बहुत कॉमन फ्लेवर है तो मिल जाता है, उसे खाने के लिए बोलिए, इससे फर्क आ जाएगा। दूसरा एक तरीका होता है, यदि पेशेंट को नौजिया स्टार्ट हो गया और सिर असूल बहुत तेजी में स्टार्ट हो रहा है, तो कोई भी अपना मटर या मेथी कुछ भी मिल जाए, उस मेथी को ये बस नोज के नीचे रख करके दबाए जोर से, इससे उसके पेन में तुरंत रिलीफ आना स्टार्ट होता है, और ये अंगूठे का मसाज शुरू कर दे। ये ऐसा कंडीशन है जो कि पेशेंट के पेन को कंट्रोल कर देता है। जब पेशेंट का एक बार पेन कंट्रोल हुआ, वैसे तो वनीला यूज करने के बाद पेशेंट को ऐसे ही आराम आ जाता है, लगभग 50 से 60% तो उसको तुरंत आराम आ जाएगा, एक दो वनीला खाएगा और बहुत अच्छा आराम आएगा। लेकिन यदि नहीं आ रहा है तो ये अंगूठे का मसाज आप करवाओ, उससे बहुत अच्छा फर्क आता है। और यदि आप लोग के नियर बाई में कोई भी सुगंधित इत्र मिलता हो, जैसे गुलाब का इत्र है, इत्र जो ओरिजिनल वाला इत्र की बात कर रहे हैं, यदि कभी आप लोग वृंदावन वगैरह जाओ तो वहां से गुलाब का इत्र वगैरह रखो अपने पास ला करके, तो उसका भी प्रयोग करने पे, अंगूठे पे सिर्फ लगाने से आपके माइग्रेन के पेन में रिलीफ देखने को आपको मिलेंगे। तो ये आप पेशेंट को बता सकते हो कि आप इस तरीके से, या कुछ नहीं तो यदि फीमेल है अवेलेबल हो जाता है तो यदि गुलाब जल का भी वो नस से ले ले, या गुलाब जल का हाथ में अच्छे से लगा करके सूंघना शुरू कर दे, तो भी उसके सर में दर्द कम हो जाते हैं, पेशेंट को वहां पे फर्क देखने को मिल जाता है। तो पहले क्या करना है, पहले हमें वनीला आइसक्रीम खिलाना है। सेकेंडरी स्टेप में क्या करना है, यहाँ प्रेस करने के लिए बोलना है, अंगूठे का मसाज करने के लिए बोलना है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर पेशेंट को हमें गुलाब जल का प्रयोग करने के लिए बोलना चाहिए, इससे पेशेंट को आराम आ जाता है। और गुलाब का परफ्यूम वगैरह यदि यूज करता है तो वो ट्रिगर नहीं होने देता है, तो उससे फर्क रहता है पेशेंट को। आई थिंक मेरे नोटिस में माइग्रेन एक पहली डिजीज है जिसमें जिसका ट्रीटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वनीला आइसक्रीम, मालपुआ, सो आई एम श्योर मैं ये जरूर ट्राई करूंगी सर। और मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि कोई स्पेसिफिक सीजन है जिसमें हमें इसके लिए थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, या कोई ऋतुचर्या में कोई चेंज करने की जरूरत है? जब भी संधि काल आता है, दो ऋतुएं आपस में एक जा रही है एक आ रहा है, जैसे अभी क्या है बसंत ऋतु का आगमन है और एक ऋतु जा रहा है, तो ये जो कंडीशन होता है इस कंडीशन में व्याधि बढ़ती है।
तो कफज यदि किसी को सीधा शुरू होगा तो वो बढ़ेगा। अब पकड़ें कैसे कि पेशेंट को कफज है कि वातज है कि पित्तज है। तो पहला कि दिन में कफ के काल में एग्रावेट हो रहा है तो कफज है, पित्त के काल में एग्रावेट हो रहा है पित्तज है, वात के काल में एग्रावेट हो रहा है तो वातज है, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद से पेशेंट के खाने पीने के तरीके से हम पकड़ सकते हैं, दर्द के तरीके से पकड़ सकते हैं। यदि दर्द मंद है और पूरे जकड़ाहट के साथ है तो वहां पर कफज है। तो ये तरीके होते हैं जिससे हम लोग पकड़ सकते हैं। बट आप इतना मानो कि यदि आप माइग्रेन का क्लिनिक स्टार्ट किए हुए हो तो आपको 365 दिन पेशेंट मिलने वाला है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ऋतु आ गया तो अब सीजन चला गया अब दर्द नहीं होने वाला है, क्योंकि या तो पेशेंट सीडेट रहेगा। मॉडर्न का ट्रीटमेंट से क्या होता है, या तो पेशेंट सुस्त हो जाएगा या प्रोफाइलेक्सिस ड्रग जिंदगी भर लेगा या फिर आपके पास आएगा ट्रीट होने के लिए। और आप एक बार पेशेंट को ट्रीट कर देते हो तो सबसे अच्छी खास बात क्या है कि पेशेंट को इतना दर्द होता है कि एक बार आपने ठीक कर दिया और बोला कि भैया हर साल आकर के हमारे पास मार्च में एक वमन ले लेना, तो भाई वो फरवरी से ही परेशान होना स्टार्ट हो जाएगा कि सर वो वमन कराना है कब आए, वमन कराना है कब आए। तो आपका एक प्रॉपर साल का बना हुआ है पेशेंट और आप वमन करा दो, थोड़ा सा संसर्जन करा करके पेशेंट को कोई भी एक रसायन जो उसके हिसाब से सही हो आप दीजिए, पेशेंट को बहुत फर्क रहता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस हैं जो चैट बॉक्स में आए हैं, मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले पाऊंगी। अगर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो डेफिनेटली आपको सर का सेशन ज्वाइन करना चाहिए जो 12th of Feb से हो रहा है। आई एम श्योर आपको इतनी देर में इतना कुछ सीखने को मिला, तो 20 days के उस सेशन में आई डोंट थिंक आप इमेजिन कर सकते हैं आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे सर एक क्वेश्चन आया मनप्रीत जी की तरफ से कि एक पेशेंट है वो जिस दिन भी डिनर करते हैं अराउंड 8 PM या 9 PM के करीब उन्हें बहुत सीवियर हेडेक होता है, सो इसका कुछ ट्रीटमेंट बताइए। उन्होंने टाइम को स्पेसिफिक किया है 8 to 9 PM। एक मजेदार कहानी बताते हैं आपको, उसके बाद इसका जवाब देंगे। एक डॉक्टर साहब थे जिनके पास ऐसा ही पेशेंट आया, बोला सर जब मैं पार्टी करता हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उसके कुछ अपने दिमाग में सोचा कि हेतु क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला एक दिन जाओ आप पार्टी करना, शराब मत पीना। उसने कहा ठीक है, पार्टी किया शराब नहीं पिया। अगले दिन उसको बोला कि अब आज जाओ पार्टी करो कुछ खाना मत। कहा ठीक है, उसको अगली बार भेजें पार्टी करने जाओ लेकिन जो जो उनको हेतु लगा। जैसे हेतु में क्या उनको समझ में आया कि ऐसा तो नहीं कि रात में बैठ के सीट में बैठते हैं तो सर में दर्द हो रहा है। दूसरा उन्होंने देखा हेतु के रूप में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ड्रिंक ले रहा है उसके चलते सर में दर्द हो रहा है या जो खाना खा रहे हैं उसमें। तो इन्होंने तीनों को अलग अलग करा करके देखा और उन्होंने देखा कि जब वो पार्टी अटेंड करा तभी दर्द हो रहा है। मतलब कई बार पेशेंट को सीधा सूल जो बन रहा है वो ठंडे के कारण या सीट के कारण या जिस एटमोसफेयर में बैठ के वो खा पी रहा है वहां से दर्द हो रहा है, एक ये कारण है। तो ये मैंने बताया इसलिए कि आप लोगों के पास यदि कभी केस आए तो आप डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग करके हेतु को देखने का तरीके सोच सकते हैं। इसके बाद रहा कि 8 और 9 बजे के आसपास में पेशेंट को सर में दर्द हो रहा है, तो ये कब से हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, एक बार ये मेजर कर लीजिए। और दर्द का मिजाज कैसा है, क्योंकि दर्द के मिजाज से ही आप बहुत चीजों को ठीक तरीके से समझ सकते हो। तो एक बार जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है पेशेंट के सर का दर्द सर के किस एरिया में है और किस तरह का दर्द है, पेशेंट उसमें क्या बोलता है, सर में दर्द है, फट रहा है सर या हथौड़ी से कोई मार रहा है, क्या मतलब उसका एक्सप्रेशन किस तरह का है, थोड़ा सा मुझे बताया तो फिर मैं उसको बेहतर बता सकता हूँ। वैसे वो जो समय बता रही है उस समय बात का डोमिनेंसी ज्यादा होता है, तो यदि बात सीधा शुरू हो तो एक बार पेशेंट को जब भी अगली बार इस तरह का कुछ करना है तो उसको खाना पहले खिलाओ एक बार और उसको मात्रा वस्ती दे करके फिर ट्राई करिए एक बार कि सीधा शुरू से हो रहा है क्या। यदि सीधा शुरू हो रहा है नहीं होगा वैधिवाद के कारण होगा तो इस तरीके से उपसे अनुपसे से हम दोषों को समझ सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, आई होप मनप्रीत जी आपको आपका आंसर मिल गया हो। सर एक और क्वेश्चन है छवि जी की तरफ से कि जो आपने नाभि पूरण बताया था मंदाग्नि से रिलेट करके माइग्रेन में, तो उस नाभि पूरण में कौन सा ऑयल हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि माइग्रेन में बहुत इफेक्टिव हो सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि यदि पेशेंट को बार बार द्रव कुरु मल त्याग हो रहा हो, बार बार उसको स्टूल जाने के लिए प्रवृत्ति बन रही हो, तो वहां पे हमें अदरक का सोरस देना चाहिए पेशेंट को।
लेकिन वैसा पेशेंट है जिसको कि कब्ज की समस्या बन रही है, तो वहां पर हमें क्या करना है कि हरिद्की को लेकर के जो भी हमारे पास तेल उपलब्ध हो, सरसों तेल या नारियल तेल, उसमें उसे कूट करके मिलाकर धूप में रख दीजिए। 7 दिनों तक कांच के शीशी में उसे धूप में रखिए, फिर उस तेल से नाभि पूर्ण कराना शुरू करिए, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। यदि पेशेंट को कब्ज से संबंधित दिक्कत आ रही है, तो यदि वहां पे द्रव यदि बहुत ज्यादा स्टूल हो रहा है तो अदरक का प्रयोग करना है, नहीं तो हमें हरिद्की का प्रयोग करना है। ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। और यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप यदि घृत का भी नाभि पूर्ण करते हो तो उससे पेशेंट को बल मिलता है। ओके सर, आई होप मैम आपको उनकी मम्मी को हर 15 दिन में हेडेक और नौजिया होता है, और शिरशूल वज्रस वो ले चुके हैं, पथ्यादि क्वाथ भी ले चुके हैं, बट उसके बाद भी उन्हें रिलीफ नहीं मिलता, उनको पेन किलर्स की तरफ जाना ही पड़ता है। तो आप अपने साइड से क्या उन्हें ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं सर? हर 15 दिन पे उन्हें सिरासूल हो रहा है, तो आप एक काम करो, एक बार उनके दर्द के, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दर्द के मिजाज को देखना है, और 15 दिन पे हो रहा है तो ज्यादातर कफज वाले जो कंडीशन होते हैं उसमें लॉन्ग समय तक, लॉन्ग मतलब 15 दिन या 20 दिन पे दर्द स्टार्ट होते हैं, महीने में एक बार स्टार्ट होता है। और दूसरा कि यदि ऐसा कुछ है तो आप अम्ल रस के साथ किसी भी ऑयल को, सहचरादि को भी अम्ल रस के साथ में संधान करके एक बस्ती लगाओ पेशेंट को, और फिर आप देख कर बताइए कि पेशेंट का तकलीफ कैसा है, कम हुआ कि नहीं हुआ। यदि कम हो रहा है तो फिर उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा, पेशेंट कैसी है, मोटी है पतली है और एपेटाइट कैसा है, एक बार इसे जरूर आप लोग ध्यान दे लें ताकि उसको आप लोगों को ठीक करने में सहूलियत मिलेगी। ओके सर जी। और सर एक और पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि नस्या ट्रीटमेंट माइग्रेन में कितना इफेक्टिव है और हम दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं, नासा ही सिरसो द्वारा, सिर के अंदर प्रॉब्लम है तो नस्य तो देना ही है, इसमें ऐसा कुछ सोचना नहीं है। अब रही बात कि वहां पर हमें समन करना है कि शोधन करना है कि ब्रिंघण करना है, ये 3 चीजें वहां पे महत्व की होती है, तो इसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो वो पेशेंट के आहार विहार और लाइफस्टाइल से ही आप पकड़ पाओगे। स्पेसिफिक जैसे हम लोग सोचते हैं कि जैसे ज्वर के लिए बहुत सारी चिकित्साएं दी गई हैं, ऐसा इसके लिए क्या करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसा है जो पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करता है। कई बार रस धातु क्षय के कारण भी पेशेंट को सिरासूल बनता है, कई बार पेशेंट को आम रस ज्यादा बना तो सिरोगुरुता और सिरासूल, ऐसे कंडीशंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में जरूर देना होगा। और नस्य देना है, पहला नस्य हमेशा शोधन देना है, वातज पित्तज कफज कुछ भी हो, इसके बाद हम ब्रिंघण समन जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू सर, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया हो। एक और पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि इफ द माइग्रेन इज ऑफ एब्डोमिनल ओरिजिन एंड गेट्स ट्रिगर्ड विद इनडाइजेशन और अदर गैस्ट्रिक ट्रबल्स, सो कैन सिंपल वात अनुलोमन चिकित्सा एंड आम पाचन विद दीपन औषधि कैन बी गिवन, इज इट इफेक्टिव और हम कुछ और अपने साइड से ऐड कर सकते हैं इस केस में? आप जो ट्रीटमेंट बता रही हैं बिल्कुल सही है, आप अर्थ रोग की चिकित्सा उठा के वहां पे कर दो, उससे ही पेशेंट को ठीक हो जाता है, फायदा मिल जाता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि पेशेंट को बहुत लंबे समय से यदि प्रॉब्लम है तो वहां पर हमें लोकली भी अप्लाई करने के लिए, अभ्यंग के लिए हमें ब्राह्मी तेल वगैरह देना चाहिए। और कई बार पेशेंट है ना कि वो निराश हो जाता है, उसे लगता है कि बीमारी मेरी ठीक ही नहीं होगी, तो वो एब्डोमिनल माइग्रेन भी है तो भी वो साइकोसोमेटिक हो जाता है। तो कई बार जैसे पेशेंट हम लोग पास आते हैं जिनका कि कहेंगे सर पूर्णिमा आने वाली है अब तो दर्द आएगा, या अमावस्या आने वाली है मेरे को सर में दर्द होगा ही होगा, इस तरह के भी केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि बताएगा कि कोई खास डेट पर या कोई खास दिन पर मुझे दिक्कत आती है। तो वो सारे कंडीशन हो या आपका एब्डोमिनल माइग्रेन का कंडीशन हो, हर एक कंडीशन में हमें अग्नि का ध्यान रखना है। यदि अग्नि से रिलेटेड है तो अर्थ की चिकित्सा वहां पर अप्लाई करिए आप लोग, बेशक फायदा मिलता है, और लोकल एप्लीकेशन भी करना चाहिए, जैसे सिरो अभ्यंग है या इस तरह का कुछ कर सकते हैं आप लोग। जी सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के, वी आर एक्सट्रीमली वेरी सॉरी हम सारे क्वेश्चन नहीं ले सकते। जैसा कि मैंने बताया था सर ऑलरेडी एक पूरा कोर्स लेने वाले हैं 12th of Feb से, आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएगी इसके बारे में और लिंक भी दी हुई है चैट बॉक्स में, आप एक बार वो देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेंगे सर। एक और क्वेश्चन आया है डॉक्टर पटेल जी की तरफ से कि विद कर्म और अग्निकर्म से क्या हम माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं? आराम दे सकते हैं, ये एक उपक्रम है,
इससे पेशेंट को आप कंट्रोल में ले सकते हो, बीमारी के कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन केवल विद्ध कर्म या अग्नि कर्म से आप परमानेंट क्योर करना चाहो तो नहीं होता है, क्योंकि यदि मेंटेनिंग कॉज बना हुआ है, देखिए अग्नि कर्म से व्याधि अपुनर्भव हो जाती है ऐसा शास्त्र कहता है, अच्छी बात है, लेकिन बताओ यदि मेरा ये हाथ टूट गया सपोर्टेड और हमने इसके लिए लेप लगाकर संधानी औषधि खाकर हड्डी को ठीक कर लिया, तो क्या ये हड्डी दोबारा टूटेगा कि नहीं? टूट सकता है। वैसे ही यदि मेंटेनेंस के लिए जो हेतु है, यदि वो मेंटेन कर रहे हैं, यदि वो चीजें बनी हुई है, तो बीमारी वापस आएगी, वो पुनर्भव चिकित्सा हो ही नहीं सकता। तो हमें अग्नि कर्म या विद्ध कर्म के थ्रू, जैसे क्या होता है कि पेशेंट को पीछे के साइड में बहुत तेज दर्द है, ऑसिपिटल एरिया में बहुत दर्द है, तो आप यदि पेशेंट के जुगलर से रक्त मोक्षण करते हो तो पेशेंट को रिलीफ आ जाएगा। जब पेशेंट को रिलीफ आ जाता है तो वैसे केसेस में आपका बहुत लंबे समय, कई बार 6 महीने 8 महीने या साल भर के लिए पेशेंट को सर में दर्द नहीं होगा, लेकिन वापस से रिपीट होते हुए देखा गया है। क्यों? क्योंकि फिर वो खान पान तो गड़बड़ रख नहीं रहा है। तो चिकित्सा करते समय हमें अग्नि को जरूर ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि अग्नि ठीक रहेगी तो थोड़ा बहुत दूसरी विष ले रहा है, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कर भी रहा है, तो पेशेंट का माफ है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि आज के समय में माइग्रेन बढ़ने के पीछे एक और कारण है। जैसे हम लोग देखते हैं बासी अन्न वगैरह जो मना किया गया है, तो जो लोग पिज्जा बर्गर या इस तरह के कल्चर में ज्यादा है, जो कि बासी चीजें या पैक्ड चीजें खाते हैं, उनमें माइग्रेन होने के चांसेस है। और कई बार क्या होता है कि जैसे कोई कोई पेशेंट हैं जो कोई खास तरह के ड्रग या मेडिसिन लेते हैं, और या कई बार मलेरिया या डेंगू या कुछ इस तरह के इन्फेक्शन लंबे समय से उनको हुआ रहा, तो उसके बाद भी माइग्रेन देखने को मिलता है। तो यदि वो कंडीशन हो तो वहां पे दूसरी भी इसकी चिकित्सा जरूर करनी चाहिए, अगत तंत्र के थ्रू, वहां पे चंपक आदि अगत या कुछ भी या ना समझ में आए तो सीरीज को जरूर ऐड कर लेना चाहिए। और तीसरा एक कंडीशन है, यदि पेशेंट को सीरा सूल के साथ अक्षेप आ रहा है, बार बार पेशेंट को बेहोशी आ रही है, मिर्गी जैसा कंडीशन बन रहा है और बहुत एक्सट्रीम सीरा सूल है, तो वहां पर जब ऐसा दिखे तो एक बार आप लोग को न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस या हृदय सॉरी मस्तिष्क के अंदर कृमि की चिकित्सा को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार कृमि के कारण भी सीरा सूल होते हैं और वो बहुत थोड़े परेशान करने वाले होते हैं। ऐसे केसेस में आप कृमि की चिकित्सा दीजिए, पलास बीज का बेशक प्रयोग करना होता है और उससे बहुत अच्छा फायदा आता है। तो आपका एक होलिस्टिक अप्रोच रखना है, कृमि कारण भी हो सकता है, क्षय के कारण भी हो सकता है, कई बार वो अध्यमान के कारण भी हो सकता है, अजीर्ण के कारण भी हो सकता है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और सर एक क्वेश्चन और है कि वेस्टिबुलर माइग्रेन के बारे में अगर थोड़ा सा आप ब्रीफ कर पाए तो, वेस्टिबुलर माइग्रेन, वेस्टिबुलर माइग्रेन। ओके ओके ओके, एक बार थोड़ा सा मुझे आप ब्रीफ करो, पेशेंट जो भी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एक बार पेशेंट के बारे में पूछ रही हैं या फिर एक टॉपिक के बारे में पूछना चाह रही हैं? यदि टॉपिक के बारे में पूछना चाहते तो ठीक है, पेशेंट के बारे में पूछना चाहते थोड़ा सा पेशेंट के बारे में ब्रीफ करें, कैसा थोड़ा सा ताकि मैं उसको डिजीज के हिसाब से मैं बता पाऊँ कैसा उनको रिजल्ट आएगा। जी सर, आई होप आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे होंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि कैसे पता चले कि जो पेन हो रहा है की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि शेषूल अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरी, उसमें माइग्रेन का ही पेन कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? सीरा सूल को ही लोग ट्रांसलेट कर दिए माइग्रेन में, लेकिन जो मॉडर्न का एक डिफिनेशन है जहाँ पे हम लोग माइग्रेन को कंसीडर करते हैं, तो वहां कहा गया कि नौजिया आनी चाहिए, थ्रॉम्बिंग पेन होना चाहिए, बीमारी जो है ये जो पेन है बिना मेडिसिन के या बहुत जल्दी नहीं ठीक होने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 मिनट के लिए सर दर्द हुआ फिर ठीक हुआ इसको माइग्रेन कहें, लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है, पर्टिकुलर एरिया में दर्द हो, आधे एरिया में या पूरे एरिया में, इस तरह से दिक्कतें आती हैं। एक कंडीशन है सीरा सूल का जिसमें हम लोग एनोरिज्म बनता है और वैसे केसेस में आप जब देखोगे पेशेंट को तो बोलेगा चटक उड़ता है सर के अंदर, चटक जैसा वो स्पार्क जैसा बताता है कि सर मुझे लगता है कि सर के अंदर स्पार्क हो रहा है, ये कंडीशन आता है और ये कंडीशन बड़ा क्रिटिकल होता है। कई बार पेशेंट को ये आंखों में भी प्रॉब्लम समझ में आती है कि मुझे लगता है बिजली की चटक आ रही है या सर के अंदर भी उसको इस तरीके से झटके आते हैं और उसके साथ माइग्रेन ऑनसेट होता है। तो यदि ऐसा कंडीशन होता है तो उसमें जो सतपाती क्षीरबला है यानी क्षीरबला 101 आवर्तनी वगैरह जो मेडिसिन है उनका रिजल्ट फिर वहां पे अच्छा हो जाता है।
और कई बार क्या है कि यदि आप देखोगे वात रक्त की कंडीशन है तो उसमें भी सिरसूल डेवलप हो जाती है। तो पेशेंट के बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वात रक्त जैसा ही सिरसूल उसको दिखेगा तो वहां पे अभिघात या चोट के हेतु मिल सकते हैं। चिकित्सा हमें वात रक्त के अनुसार करना चाहिए। ओके सर। सर जैसे आप सबको पता है कि हमारे 100+ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कल कंप्लीट हो चुके हैं, वो हमारी मैक्सिमम लिमिट थी। तो सर यहाँ पे एक और वैद्य का क्वेश्चन है, वैद्य सूर्य ज्ञात्री जी, कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, 100+ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, सो ओनली इफ यू अलाउ तो क्या हम रजिस्ट्रेशन रीओपन करके और पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करा सकते हैं कि 100 ही हमारी मैक्सिमम लिमिट है? यदि कोई ऐसा वैद्य है जो जुड़ना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है इस आयुर्वेद को, तो मैं नहीं रोकना चाहता, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा है जो सबका है, हमारा या आपका नहीं है। तो यदि वो कंफर्टेबल हो पा रहे हैं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़े एक ही शर्त पर, जब उन्हें आयुर्वेद सीखना, यही क्राइटेरिया है। इसके साथ हम लोग सब कोई जुड़े और सीखे इसको। ओके। अब सर ने मैम परमिशन दे दी है तो और कोई भी आपको नहीं रोकेगा, और बट सर की कंडीशन जरूर याद रखिएगा। मैं लास्ट के कुछ क्वेश्चंस और लेना चाहूंगी। माइग्रेन इन मेनोपॉज, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन लिखी है एक डॉक्टर ने, तो ऐसा क्यों होता है कि मेनोपॉज में माइग्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं? हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में, हालांकि मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब मेनोपॉज होता है इसके बाद फीमेल में रक्त दृष्टि देखने को मिलती है और रस्व स्रोतस की दृष्टि होती है। रस्व और रक्तव एक साथ होता है तो पेशेंट के अंदर आप देखोगे कि मूड संबंधी या जैसे रक्त सॉरी रस धातु जब विकृत होगा तो चिंता, इस तरह की चीजें बढ़ती हैं, और रक्त धातु दुष्टि होगा तो इधर आर्तो आग्नेयम इसके कारण से पित्त दुष्टि होती है और वहां पे माइग्रेन देखने को मिलता है, बहुत कॉमन है। और दूसरा एक कंडीशन होता है इसमें बॉडी के अंदर स्पॉट्स बनने लगते हैं, ये दोनों ही चीजें देखने को मिलती है। तो यदि ऐसा कुछ है तो पेशेंट में हमें थोड़े से हेतु में एक बार हेर फेर करना होता है और देखना होता है क्या ऐसा कहीं नहीं कि नमकीन ज्यादा खा रही हैं, खट्टा चीज या चरपरा कुछ टेस्ट का चीज, या गरम गरम चीज या नॉनवेज ज्यादा ले रही हैं क्या। कई बार चिकन खाने वाले लोगों में भी ये दिक्कत देखने को मिलेगा आपको। क्यों मिलता है? क्योंकि जो अभी आपकी कुक्कुट मांस उपलब्ध हो रहे हैं ये बहुत सारे मेडिसिन के थ्रू हमारे पास आते हैं, तो जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी मांस रस के बारे में बताया गया, बट स्वस्थ मांस खाना है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमार पड़ा हुआ या मरा हुआ कोई जीव को किसी को खाने के लिए दिया गया, लेकिन अभी ये सब चीजें नहीं मिलने के कारण वहां पे रस और रक्त धातु की दुष्टि होती है। हेतु इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन जब हम चिकित्सा करना स्टार्ट करते हैं तो हमें रस धातु की ही चिकित्सा मुख्य रूप से उसमें करनी चाहिए। और आप देखना कि यदि पेशेंट एक बमन अपना कराती हैं और कराने के बाद यदि वो आरोग्य वर्धनी का 7 दिन का भी कल्प ले लें, यानी एक गोली सुबह शाम, फिर 2 गोली सुबह शाम, फिर 3 गोली सुबह शाम, ऐसे करके 7 गोली सुबह शाम, फिर 6 गोली, फिर 5, ऐसे करके 7 दिन बढ़ाएं और 7 दिन कम करती हैं, इससे भी उनका सिरसूल चला जाता है। तो जो ये माइग्रेन का कंडीशन है उसको हम लोग इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। दूसरा एक है कि यदि पेशेंट को इंसोमिनिया या अनिद्रा या कोई और भी दिक्कत है, तो माइग्रेन हो सकता है कि ना हो, नॉर्मल सिरसूल हो, लेकिन जो कारण बन रहा है वो मेंटेन कर रहा हो इसको, उसे देख करके भी एक बार थोड़ा सा चिकित्सा करना चाहिए और मधुर रस का सेवन थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए ताकि उसको हम लोग रिकवर कर सकें। जी सर, आई होप आपको आंसर मिल गया हो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, फी क्या है, टाइमिंग क्या रहेगी, तो एक लिंक दी हुई है आपको चैट बॉक्स में, आप जाके उसमें क्लिक कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रेखा जी का, कि उन्हें खुद माइग्रेन है, तो वो लिखती हैं कि सर मुझे दर्द बहुत तेजी से होता है और आंख और गर्दन में भी पीछे बहुत दर्द होता है, साथ में बुखार भी आ जाता है, वॉमिटिंग भी होती है इसी तेज दर्द के कारण, तो सर वो काफी परेशान है, तो अगर आप उनकी थोड़ी हेल्प कर पाए तो दैट वुड बी ग्रेट। वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और एक बार अपने बारे में डिटेल से बता। मैम यू कैन प्लीज अनम्यूट। डॉक्टर रेखा जी आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी आप किसी पेशेंट के बारे में लिख रहे थे, आपको थोड़ा ब्रीफ करना था, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
कोई बात नहीं, आप नहीं पूछ पा रही हैं यहाँ पर, तो आप अपना कंप्लेन हमें आप मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है सर। अब आप डॉक्टर रेखा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे सर 11 साल से माइग्रेन है और सर मेरा इतना सीवियर होता है कि सर आंखों में भी होता है और सर लेफ्ट राइट साइड दोनों ही होता है और सर ये पीछे तक जाता है, गर्दन में भी होता है और सर कभी कभी इतना सीवियर हो जाता है कि मुझे वॉमिटिंग होती है सर। जैसा कि आपने मुझे अभी बताया था कि जो रोज होता है रोज वाटर तो और ये गुलाब उसका खुशबू लेने से ठीक हो जाता है, तो सर मुझे तो कोई भी खुशबू हो जो स्ट्रॉन्ग होती है या परफ्यूम का होता है तो मुझे उससे भी सर बहुत तेज सिर दर्द हो जाता है। ये हो सकता है सर, कब से कैसे स्टार्ट हुआ? सर मुझे सर काफी टाइम हो गया सर, जैसे कि अगर मैं धूप में भी जाऊं तब भी हो जाता है और सर ट्रैफिक ट्रैफिक वाला कोई एरिया हो, क्राउड वाला हो या फिर मैं कहीं ट्रैवलिंग पे जाऊं तब भी हो जाता है और सर ज्यादा जैसे कि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा देर तक लग जाए तो उसमें भी हो जाता है मुझे। दर्द किस तरह का होता है? सर बहुत ज्यादा चुभने जैसा दर्द होता है, ऐसा फील होता है कि फिर ऐसे खुद ही को खत्म कर लो जैसे, ऐसे फील होता है। क्या मेडिसिन क्या ले रही हैं आप? सर मेडिसिन तो सर मैंने ये जैसे सर आपने बताया था कि गुड़ के लिए भी आपने बताया था तो सर मैंने गुड़ और मॉर्निंग में खाली पेट और घी लेना भी शुरू किया था, लेकिन सर वो मैंने ओनली 1 मंथ लिया था और सर जैसे कि नोज में डालने के लिए भी जो ऑयल आता है तो सर बिंदु तेल आता है वो भी यूज किया मैंने, काओ का घी बताया जाता है वो भी यूज किया है और सर एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों ही ट्रीटमेंट यूज कर लिए, लेकिन सर जो लॉन्ग टर्म में वो नहीं किए, समथिंग 1 मंथ ही किया है, लॉन्ग टर्म में नहीं किया, तो सर आप इसके लिए कुछ बताएं। आपको क्योंकि आप एक वैद्य हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपको पेन बन रहा है ये आपके अकॉर्डिंग क्या है, वातज पित्तज कफज किस तरह का आपको देखने को लग रहा है? सर मुझे ऐसा लगता है शायद ये कफज है क्योंकि सर मुझे अगर ज्यादा तेज हेडेक होता है तो फिर जैसा कि आपने बताया कि कफज प्लस सर उसके साथ ज्वर भी बताया तो सर वो मुझे लगता है क्योंकि कभी कभी एकदम मौसम भी बहुत अच्छा होता है तब भी ये एकदम मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है और सर जब तक नहीं जाता जब तक कि मैं कोई मेडिसिन नहीं ले लूं, मतलब कि वो सर 24 आवर से भी ज्यादा चलता है फिर नेक्स्ट डे तक चलता है। आपने पंचकर्म वगैरह कुछ कराया? सर अभी तक तो नहीं सर, और जो सर मुझे रिलीफ मिलता है वो उससे कि मैं अपने सर पे अगर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ तो सर मुझे उससे रिलीफ मिल जाता है थोड़ा, सर मैं मसाज करने से भी रिलीफ मिलता है थोड़ा सा, पानी डालने से सर काफी अच्छा सा फील होता है। कहाँ से हैं मैम? सर मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। आगरा से? ओके जी। एक काम करिए आप, अभी फिलहाल आपके नियर बाई में कोई भी एक सेंटर हो, पहले दीपम पाचन अपना करके आप एक बार एरंड मुलादी निरूह बस्ती स्टार्ट करो 7 दिनों के लिए और 7 दिन बाद आप हमें रिपोर्ट करिएगा कैसा है। ओके सर। सर एरंड मून एरंड मुलादी निरूह बस्ती सड़क संहिता में मिल जाएगा आपको। ओके सर। उसका इंग्रेडिएंट एक बार देख लीजिएगा और क्लासिकल उसी तरीके से यूज करिए और जी सर सहचर तेल और गुड़च्यादी तेल दोनों 15 ml 15 ml दोनों को मिला करके 30 ml इसकी मात्रा बस्ती आप स्टार्ट कर दो अभी, जब तक कि आप एरंड मुलादी निरूह बस्ती का व्यवस्था नहीं कर पा रहे, और मुझे आप जरूर रिपोर्ट करना और ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको इतने समय से झेलना पड़े, ये क्योर हो जाएगा आपका, ठीक है? जी आप मुझे बताएं। सर ये सहचर तेल और गुड़च्यादी तेल सर इसका मुझे नस्य लेना है क्या? नहीं नहीं इसकी मात्रा बस्ती स्टार्ट करो आप। अच्छा सर इसकी मात्रा बस्ती। हाँ जी मात्रा बस्ती स्टार्ट करिए और दीपन पाचन अभी करिए, तब तक आपका एरंड मुलादी निरूह बस्ती 4-5 दिनों में आप अवेलेबल कर लोगे, फिर एरंड मुलादी निरूह बस्ती का, ठीक है? ठीक है सर। और ये अनुवासन के लिए जो हमने ऑयल बताया इसको अनुवासन में उसको स्थापन में ऐसा करके आप 7 दिन या 15 दिन का एक वस्ती क्रम ले लीजिए और लेकर के फिर हमें आप बताइएगा, ठीक है? ओके सर ठीक है, थैंक यू सर। मैम आपको गुरु जी ने खुद ही आश्वासन दे दिया कि आप तो आई एम श्योर आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट हम डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी, आप पेशेंट के बारे में ब्रीफ कर रहे थे, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, यस सर। Am I audible? Yes, sir, you're audible. Patient young, 27 years old.
और मेरे पास अभी आया है, और सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह सब होने के बाद में उसको वेस्टिबुलर माइग्रेन डायग्नोज हुआ है, और उसको हेडेक के साथ साथ माइल्ड हेडेक होता है, और उसके साथ में उसको चक्कर बहुत आते हैं वटाइगो के साथ, और माइल्ड हाइपरटेंसिव भी है। तो सर ये जो आपने कंडीशन बताया अभी मुझे, इसमें पेशेंट को आज आप क्या करना, जब भी आपके पास अब अगली बार आएंगे उनको आप 3 दिनों के लिए घृत पान करने के लिए बोलना, देसी घी का प्रयोग करना है, कोई मेडिकेटेड ना हो तो भी चलेगा। और चौथे दिन है जुगलर से एक रक्त मुक्त करो, और माइग्रेन के साथ साथ आप एक बार सर्वाइकल को भी देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सर्वाइकल के डिस अलाइनमेंट के कारण पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं। और फिर सर्वाइकल नहीं है उसको। कान दुधारा त्रिमूर्ति युक्त है, इसका आप प्रयोग करवाइए, इसका कल्प करवा दीजिएगा। जैसे पहले दिन आप दीजिएगा उनको, हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले दिन 250 mg BD, अगले दिन 750 mg BD, 250 mg बढ़ाते जाइएगा ग्रेजुअली 7 दिनों तक, या फिर 7 दिन बाद टैपरिंग करवा दीजिएगा, पेशेंट को आराम आ जाएगा। लेकिन जो मैंने पहले बताया आपको कि घृतपान करा कर, रक्तमोक्षण कराना है उसका जुगलर पहले वेन से। घृतपान, पहले घृतपान कराना है, ठीक है, पेशेंट को 3 दिन कम हाँ से कम घी लेने के लिए बोलिए। इसके बाद हाँ पेशेंट का जुगलर से रक्तमोक्षण कर लीजिएगा, और कान दुधा रस जो मोती युक्त है इसका आप 250 mg BD, फिर अगले दिन 500 mg BD, फिर उसके बाद 750 mg BD, ऐसे करके आप 7 दिनों तक बढ़ाते जाइए, और फिर 7 दिन बाद ग्रेजुअली कम कर लीजिएगा, इससे उसको फर्क। और जो चिकित्सा आप रखिएगा वो वात रक्त की चिकित्सा रखिएगा, जो भी आशव काढ़ा वगैरह स्टार्ट करिएगा वो वात रक्त रोगाधिकार का स्टार्ट करिए, तो उसको फर्क पड़ जाएगा। ठीक ठीक, थैंक यू। ओके सर, आई होप आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। मैं समझ सकती हूँ माइग्रेन बहुत कॉमन है, हमने आसपास बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, इसीलिए हम बहुत ज्यादा भावुक हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप कर रहे हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर का सेशन ऑलरेडी होने वाला है 12 फेब से, उसकी लिंक आपको इसी चैट बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके उस पर रजिस्टर कर लीजिएगा और आप सर को और ज्यादा सुन सकते हैं। अभी तो बहुत कम टाइम के लिए हमें सुनने के लिए मिला, बट फिर आप इत्मीनान से सर को काफी अच्छे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी। मैं लास्ट एक क्वेश्चन ले रही हूँ, इसके बाद वी आर वेरी सॉरी, हम लोगों को एंड करना रहेगा। सर एक और क्वेश्चन है कि सर एक बेटी है किन्हीं की, 13 साल की है वो, उसको सुबह से ही हेडेक शुरू हो जाता है और शाम तक लगा रहता है, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या, ऐसा क्यों होता है? बचपन से ही हो रहा है या अभी शुरू हो गया? जो भी ओके जिन्होंने डॉक्टर प्रश्न पूछा है एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें और फिर मुझसे बात कर लें, ताकि मैं चीजें समझ पाऊं एक बार। जी सर, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार सर, वो मेरी पेशेंट है, वो बेटी है 12-13 साल की। उसका बोलना है कि वो जब सुबह उठती है तो तब से उसको हेडेक शुरू हो जाती है, मगर वो सुबह खाना नहीं खा के जाती है। जैसे सुबह स्कूल 7 बजे 7:30 स्कूल जाना होता है, और शाम को भी वो आती है तो उसको हेडेक लगा होता है, वो गर्म पट्टी बांधती है अपने सिर पे, उसके बाद भी उसको हल्का हल्का रहता ही है, और जब वो सो जाती है बस तब रिलीफ होता है उसको। मैंने सर उसको जैसे उसको घृतपान के लिए बोला था, फिर उसने वो कम किया, मैंने उसको बोला दूध जलेबी खा ले, तो उसने दूध जलेबी एक दिन खाई, या एक दिन उसने बेसन जलेबी खाई, लेकिन उसको कोई रिमार्केबल रिलीफ नहीं मिला। मैंने उसको सर काम दूधा रस भी दिया था कुछ दिन के लिए, कि मुझे लगा पित्त हो सकता है, लेकिन उससे भी रिलीफ नहीं आया। मैंने उसको चूर्ण बनाया था, जैसे गोदंती भस्म डालकर उसको अर्ली मॉर्निंग दिया था, गोदंती भस्म और शिरशूल, बट उससे भी कोई रिमार्केबल रिलीफ नहीं आया था सर। अगली बार जब भैया पेशेंट आपके पास आए तो उनका आप डाइजेशन एक बार चेक करना, और यदि थोड़ा सा उसमें यदि इरेगुलरिटी आपको देखने को मिले तो आप उसमें लौह भस्म, सतपुटी या सहस्त्रपुटी जो भी अवेलेबल आपके पास हो, जी और सर, हरड़ सोट और पीपल, इन इसका मिलाकर एक कॉम्बिनेशन तैयार करिएगा, और ये कॉम्बिनेशन जो है घी और शहद के साथ पेशेंट को लेने के लिए बोलिए, जी तो आई सर, होप कि उसको आराम आ जाएगी। और दूसरा, आप जब भी बच्ची आ रही है आपके पास तो बस्ती के लिए रेडी करिए और मात्रा बस्ती उसका स्टार्ट करिएगा, ठीक है। और एक बार पेशेंट का जबान की फोटो, जो टंग की फोटो है, आप मुझे शेयर करें, तो
तो फिर देखते हैं लोग, वो चीजें ठीक हो जाएंगी। जो आप बता रहे हैं वो सूर्यावर्त के जैसा भी देखने को देखने में लग रहा है उसका पिक्चर, तो यदि वैसा कुछ होगा तो फिर आप ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है।